सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इसमें से कोई लोग हैं, उनको इस कदर भूतसवार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धक्कड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम लुप्त हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया, उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के बेर इतने प्रेम से खाए, इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर के चप्पल उतार करके, जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे। सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े। वो श्री राम अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब लेफ्ट हार्ट माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति भी, उसका पतिपना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जा सकता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हार्ट पकड़ जाता है, लेफ्ट हार्ट, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव के हो जाते, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का वर्णन, सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती। आप शुष्क इंसान हो जाते हैं, ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़े, बात करने को जाए तो खाने को दौड़े। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते। और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। एक साहब थे, इनका था धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे। शास्त्री जी की मुझे बात याद है, वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी, आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा? हम लोगों के नाम ऐसे हैं, करुणा सागर, और हाथ में लठ लिए करुणा सागर जी खड़े हुए, जो है उसको तड़पता मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण यह है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया, लेकिन उनके जो अनुचर थे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं, स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीजें करती तो ठीक है, उस माँ को भी जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी। पर इस देश की माँ ऐसी नहीं, और इस देश में कुछ एकाद ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो, या जिसने माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला, और इससे बहुत ही नजदीक हृदय
का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी है मनुष्य को क्यों होती है, क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है, अतिकर्म में जब बाह्य बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है, या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छुइए, अभी कोई छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ये जिसके सामने झुक गया, गलत लोगों के सामने, तो हार्ट में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा आत्मा क्या चीज है। ये एक परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं, किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं, जो अनधिकार चेष्टा करता है ऐसे आदमी के पास जा करके हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तभी आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है। जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा मैं तुझसे रुष्ट रहूंगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियां छूट सकती हैं, नहीं तो नहीं छूट सकती। एक महाशय हमारे पास आए थे, वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए। उन्हें पूछे लग गए, माँ हमारे हमारे हार्ट की हमें तकलीफ अंजाना की और हम जा रहे हैं ह्यूस्टन, तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा, अगर आप मेहरबानी करें। हमने कहा अच्छा आ जाइए। पूना में हमारे पास आए, पूना में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए। हमने कहा अच्छा। उनकी जो हमने कुंडलिनी जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो सोचा फिर से हार्ट अटैक आ गया, और मैं उठ के चल दी, मुझे दूसरी जगह जाना, जैसे कहते हैं ना रमते राम वैसी। जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लगे कि माँ ऐसे कैसे छोड़ के जा रही। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक हो गया, मैंने कहा जाओ दिखाओ। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता भाई ये तुम्हारे ही एक्सरे थे क्या, और अच्छे घूम रहे हैं आजकल। ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका चित्त जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो। पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी, वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे। जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट विशुद्धि और हार्ट इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाइना की बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं खींचता है, परमात्मा की कृपा से कहिए, पूर्व जन्म के सुकृत से, किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता, ये तो पाखंडी है, ये तो झूठा है, ये तो ढोंगी है, इसके पास नहीं जाने का मुझे, तब हृदय सच रहता। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है? आत्मा संतुष्ट है आपसे, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागृत होगी और आप पटाख से पालेंगे, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आज समय बहुत हो गया है, लोग भी शायद परेशान हो गए, विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, हर एक चक्र पे ही बोलना चाहिए। विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें 16 कलाएं हैं, इसी प्रकार 16 सब प्लेक्सेस जिसको कि हम पंखुड़ियां कहते हैं हमारे अंदर है, और जो कुछ भी हमारे अंदर अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉवेल्स कहते हैं वो है, वो सारे इसके बीज मंत्र। जिस वक्त आप कोई गलत मंत्र कहते हैं तो वो मंत्र के वजह से कोई गलत इंसान का
कि प्रेतात्मा यहाँ के बैठ जाती है। जब आप गलत पूजन करते हैं, गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जा करके और दीक्षा लेते हैं, तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है।